सुमेध सैनी वो शख्सियत है जिसने मैं समझदा कि बहुत वड्डा कतलेआम पंजाब दे विच नौजवान बच्चों का और आने वाली पनीरी का किया। सुमेध सैनी के खिलाफ केस होंदा है और उदों बादल साहब का सुखबीर बादल का वकील उत्थे जाके क्लेयर पेश होंदा है। मैं समझदा कि कई गल्लां दे खुलासे होने शुरू हुए कि किते ना किते बादल परिवार को एक खतरा है कि जे सुमेध सैनी फड़िया गया या किसी केस च गया तो अंदर बह के किते सरकारी गवाह ना बन जावे। जिहड़ी पार्टी नूं अज असी अपने नेड़े नहीं देखना चाहते कांग्रेस पार्टी उहदा मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह अज उहने सुमेध सैनी दे उत्ते आके मुकदमा दर्ज किया। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले कई दिनों तो पंजाब का कुछ ऐसा घटनाक्रम होया कि जिदे विच एक कतल किडनैपिंग के मुकदमे सुमेध सैनी का नाम आता है। सुमेध सैनी वो शख्सियत है जिसने मैं समझदा कि बहुत वड्डा कतलेआम पंजाब दे विच नौजवान बच्चों का और आने वाली पनीरी का किया। 80-90 और 2000 के दशक के और मनु याद है जदों मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी की प्रधानगी ली और 2014-15 जो मैं बाहरले मुल्क गया तो सब तो वड्डा जिहड़ा अकाली दल के खिलाफ मैं रोस देखिया वो रोस सुमेध सैनी का सी कि बादल साहब ने उसनू DGP क्यों बनाया। मैं वापस आया, वापस आके मैं सुखबीर सिंह बादल और पूरे परिवार नाल उहदे च भावें सरदारनी बादल होवे हरसिमरत भावें मजीठिया साहब होण भावें साहब प्रकाश सिंह बादल होण मैं अपना रोस दर्ज कराया कि सुमेध सैनी जिहड़ा है क्योंकि असी दिल्ली च रहिंदे सीगे सानू नहीं पता सीगा उत्थों दे सारे घटनाक्रम का लेकिन जिस किस्म का मैं गुस्सा देखा और जदों मैं आके स्टडी की कि सारी जिहड़ी जसवंत सिंह खालड़ा रिपोर्ट है ये सारी उस गल कि जेडे पंजाब पुलिस ने पुलिस मुकाबलों के नजायज़ बच्चे मारे से और सुमेध सैनी का नाम बहुत उत्ते। बादल परिवार ने मेरी ये गल नहीं सुनी और जो असी चाहते सके जो भावनावान से सिख कौम दिया उन्होंने बिल्कुल उन्होंने सुनने तो मना कर दिता और इस कंटिन्यू रखा। अज जदों सुमेध सैनी के खिलाफ केस होंगे और उदों बादल साहब का सुखबीर बादल का वकील उत्थे जाके क्लेयर पेश होंदा है मैं समझदा कि कई गल्लां दे खुलासे होने शुरू हुए। जिहड़ी गोली बहबल कलां गोलीकांड जिहड़ा होया सीधे तौर पर सुमेध सैनी का नाम और मैनूं लगदा है कि किते ना किते बादल परिवार को एक खतरा है कि जे सुमेध सैनी फड़िया गया या किसी केस च गया तो अंदर बह के किते सरकारी गवाह ना बन जावे इस परिवार का ना ना लै दो। मैं समझदा वा कि सुमेध सैनी दे नाल अकाली दल का जिहड़ा गठजोड़ वो बिल्कुल सिख कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। नंबर वन मैं याद है 2000 मेरा ख्याल जिहड़ियां इलैक्शन हुई 2014 दे विच या उस तो पहले इलैक्शन हुई सी अकाली दल ने अपने मैनीफेस्टो च लिखिया सीगा कि जिहड़े पुलिस मुलाजमान ने सीनियर अफसर ने जवान नौजवान बच्चों पुलिस मुकाबलों मारिया उन्होंने असी जो कानून के अधीन सजावं होंदिया ने वो सारिया दवांगे। मैं समझदा वा कि वायदा अकाली दल का सीगा किते ना किते जिहड़ी पार्टी नूं अज असी अपने नेड़े नहीं देखना चाहते कांग्रेस पार्टी उहदा मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह अज उहने सुमेध सैनी दे उत्ते आके मुकदमा दर्ज किया। मैं समझदा कि बादल साहब नूं इहदे जवाब कई प्लेटफॉर्म पर देने पैणगे और इहो जिहा शख्सियत जिहदे नौजवान बच्चों के कतल लगते हैं फिर खाली असी इत्थे नहीं रुके। दिल्ली कमेटी वालों मैं जिहड़ा ह्यूमन राइट्स कमीशन है उहदे च गया वा पंजाब दे विच जिहड़े कतल होए सी ह्यूमन राइट्स कमीशन तक नहीं रुके। T5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो बैल आइकन ते क्लिक करो।